गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, आज है 24 अप्रैल 2020। आप सब अच्छे होंगे। आज शुरू करते हैं मेमोरी यूनिट्स। आज का टॉपिक है, जैसा कि हमने कल आपको बताया था मेमोरी टॉपिक के एंड में, कि आज हम लोग मेमोरी यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि मेमोरी यूनिट्स होता क्या है। मेमोरी यूनिट्स इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। टेक्निकली देयर आर बेसिकली 14 टाइप्स। दैट मीन्स कि यह कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जो कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज को मेजर्ड करता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे तो बेट, निबल, बाइट, किलोबाइट को शॉर्ट में हम केबी भी बोल सकते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, ओटाबाइट, नैनोबाइट, ब्रोंटाबाइट, जियोबाइट। अगर हम देखा जाए तो इससे अगर आप लोगों के टॉपिक की बात करें तो कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सीधी सी बात बता दूं कि आपके जो भी एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन, उस एग्जामिनेशन के अगर बारे में बात करें तो बेसिकली इस टॉपिक में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और बेसिकली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ में ही पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन को देखा जाए कैसे बनता है, तो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ बिट, अगर बात करते हैं कि इस बिट के बारे में अगर बात करें तो बिट जो होती है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। दैट मीन्स कि इसमें केवल 0 एंड 1 डेटा ही स्टोर किया जा सकता है और इसके ऊपर का डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। एंड नम सेकेंड, निब्बल के बात करें तो कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निब्बल। निब्बल की बात किया जाए तो कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निब्बल। इसका सीधा सा मतलब है कि बिट जो है निब्बल जो है 4 बिट से मिलकर बना होता है, जिसमें हम कभी कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। यह केवल मशीनरीज के इकोनॉमिकली पोजीशन पर होता है। लेकिन अगर हम बात करें बाइट की, तो कंप्यूटर में बाइट एक ऐसी यूनिट होती है जो कंप्यूटर में किसी भी एक कैरेक्टर की साइज़ को स्टोर करती है, यानी कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। यानी कंप्यूटर में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं, अगर सारे की बात करें तो लार्जेस्ट यूनिट की अगर बात करें इसी तरह से, तो लार्जेस्ट की अगर बात करें तो लार्जेस्ट जो मेमोरी यूनिट होगा वो होगा जियो बाइट, जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ठीक, तो जैसे जैसे लॉन्च किया जाएगा उसका देखेंगे। अब बात करते हैं इसका टैबुलेशन। टैबुलेशन से ही ज़्यादातर से क्वेश्चंस आते हैं। तो टैबुलेशन की अगर बात करें तो अगर टैबुलेशन में देखा जाए तो 4 बिट इक्वल 1 निबल होता है, 1 बाइट इक्वल 8 बिट होता है, या 2 निब्बल होता है, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पेटाबाइट, 1 ZB बराबर होता है 1024 एक्साबाइट, 1 ओटाबाइट बराबर होता है
1024 जीटाबाइट, 1 नैनोबाइट बराबर होता है 1024 ओटाबाइट, 1 ब्रोंटाबाइट बराबर होता है 1024 नैनोबाइट, एंड लास्ट 1 जियोबाइट बराबर होता है 1024 ब्रोंटाबाइट। नाउ मेमोरी यूनिट का जो फाइनली जो पूरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक देखी गई है। अगर हम बात करें फाइनली इस चैप्टर का, तो इस पूरे टैबुलेशन को आप एक बार अच्छे से स्टडी कर लें और ऊपर के दिए गए पूरे शॉर्ट नोट्स को आप देख लो। उसके बाद से इससे जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आप एकदम बेसिकली, जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है हाउ मैनी बाइट इन 2 किलोबाइट। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया तो जब आप इसका सलूशन करोगे, यानी इसका मतलब ये है कि 2 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। अब इसका जब सलूशन करोगे तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो, यानी हम जानते हैं कि 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है, इस प्रकार 2 किलोबाइट बराबर 1024 गुणे 2 बराबर 2048 किलोबाइट बाइट होगा। ये आपका फाइनली आंसर। यानी इस तरह से सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। इस तरह से आप देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कुछ इस तरह से डिपेंडेबल होता है, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर ऐसी तरह से कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको दे दे रहा हूँ जिसको आपको सोल्यूशन करना होगा। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप हमें ज़रूर शेयर करेंगे, सोल्यूशन करके आप इसको ज़रूर एक बार क्लियर हो लीजिएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाकर रिप्लाई करेंगे। चार एम बी बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है, किलोबाइट, 1024 गुणे 1024 बाइट बराबर कितना के बी होता है। आठ जी बी बराबर कितने एम बी होंगे। सोलह टेराबाइट बराबर कितने जी बी होगा। तीन जेड बी बराबर कितना एक्साबाइट होगा। एक ब्रोंटाबाइट में कितने नैनोबाइट्स होते हैं। पाँच सौ बारह बाइट कितने बिट के बराबर होता है। 1024 बिट बराबर कितने बाइट होते हैं। 256 निबल कितने बिट होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है,
128 बाइट बराबर वॉट नेबल। फाइनली ये आपके लिए होमवर्क भी हो गया, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा सेकेंडरी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।